मैं पिछले एक डेढ़ साल से देख रहा हूं इस क्षेत्र में जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, चपरासी से लेकर खास करके प्रशासन वाले लोग, बड़े बड़े अधिकारी आईएएस वगैरह सब, कलेक्टर चपरासी से लेकर तक कलेक्टर, मेरे को लगता है ये सब अंगूठा छाप है। अरे क्या बात बोल दिया दादा। मैं इनको आज चुनौती देता हूँ। मैंने डीएसपी साहब की भी यहाँ गाड़ी देखी है, शायद एसडीओ साहब भी होंगे यहाँ। मेरी बात सुन ले ध्यान से, यदि कोई या हमारे लड़के गलत करते हैं तो हम गुनाहगार हैं, हमको सजा मिलना चाहिए। लेकिन जब संविधान का, आईपीसी सीआरपीसी का उल्लंघन, भू राजस्व संहिता का, वन अधिकार कानून का जब तुम उल्लंघन करते हो तो तुमको भी सजा मिलना चाहिए। सही बात है। मैं चैलेंज करता हूँ आज इस रेंगा कोरकू के माध्यम से जितने भी यहाँ अधिकारी खड़े हैं, वो अपने कानून के जानकारों को ले आए, सुप्रीम कोर्ट के जज को ले आए, वकील को ले आए और हमारे साथ भेज आए। जिस दिन में समय हो खबर करते। ईंट का जवाब पत्थर से। सबको पता होना चाहिए कि कितने नभाती अनजान में कितने लोग मनुष्य चेते हैं। मतलब वो नभासी क्षेत्र है, वो उल्लेख है राजपत्र पे। ये खगना जो बेल्ट है, ये पांचवा अनुसूचित क्षेत्र है और पांचवा अनुसूचित क्षेत्र का मतलब होता है स्वशासन। स्वशासन यानी ग्राम सभा का अधिकार। मैं आप कर्म जो पुलिस प्रशासन यहाँ खड़ी है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि देश संविधान से चलता है, किसी की बाप की बाप होती नहीं है। सही बात है। जब देश संविधान से चलता है, भारत से जब प्यार करते हो तो फिर इस देश से भी प्यार करना पड़ेगा और इस देश की जनता से भी प्यार करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत है और जो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करता है वो देश लोगों का काम करता है। संविधान में लिखा है कि जो एक अनुच्छेद 124 एक के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करेगा वो देश द्रोह का काम करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जनता जजमेंट में कि जन लोकसभा ने विधानसभा सबसे बड़ी राम सभा, जब 5 जनवरी 2011 काजू सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि 92% लोग बाहर के हैं और 8% लोग आदिवासी के साथ इस देश का मूल निवासी है। और जितने भी आईएएस अधिकारी हैं, जितने भी नेतागण हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ड्यूटी लगाई है, उनकी ड्यूटी लगाई है कि आदिवासी लोगों की रक्षा करो, उनका संरक्षण करो, उनका सही बात है। लेकिन आज क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा आदिवासी को परेशान किया जा रहा है। जब वेदांता जजमेंट बोल दिया है, सुप्रीम समता जजमेंट बोल दिया है और भी बहुत सारे जजमेंट है, सैकड़ों जजमेंट है, हाई कोर्ट के जजमेंट है, एक भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा तो यानी देशद्रोह का काम हो रहा है। मैं आपके प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूँ, आपको समय भी देता हूँ, 8 दिन 15 दिन महीने भर आप कभी भी हमें निमंत्रण भेजिए, हम हमारी टीम के साथ आएंगे, हम एक पाइंट भी यदि उल्टा सीधा बोले हम लिखित में देंगे कि हमको जेल में डाल देना। अरे जब संविधान को मारते हो, मानते हो, सुप्रीम कोर्ट को मानते हो, इस देश से प्रेम करते हो तो भाई देश की जनता को भी प्यार करो, इस देश के मालिकों से भी प्यार करो। और ये हम नहीं बोल रहे,
ये आपके जो लिखी हुई पुस्तक है सरकारी, जो कानून की पुस्तक है, वो बोल रही आदिवासी। अभी मैंने कुछ दिनों पे देखा था कि वो वन विभाग हमारे लोगों के जो जंगल काटे थे उनपे फसल काटने के लिए ट्रैक्टर भेजेंगे, घोर करा रही थी। भाई ऐसा क्यों कर रहे हो यार? जब सुप्रीम कोर्ट बोल दिया है उसकी नहीं मान रहे हो। भू राजस्व संहिता, वन विभाग वाले सुन लो, भू राजस्व संहिता धारा 5 पढ़ लेना जाके। भू राजस्व संहिता धारा 5 पे हमारे लिए क्या लिखा है ये भी पढ़ लेना। भू राजस्व संहिता कलम 2 धारा 2 पे पढ़ लेना क्या लिखा हमारे। अरे यार अब हमारे बेटे भी पढ़े लिखे होंगे जो वो अक्षर पढ़ने लग गए हैं, तो कम से कम उनसे बैठ के बात कर लो कि बेटा तुम गलत कर रहे हो यार, ऐसा कानून में नहीं है, बैठ कर समझा दो। लेकिन आप तो हमारी सुनते नहीं हो। आज वो ढाबा में पीआई साहब ने वो रोक लिया हमारा डीजे। अरे मैं कल इंदौर से आया, तो मेरे को इंदौर से लेके और खंडवा तक 25 डीजे मिले, 25 कांवड़ यात्रा के 25 डीजे मिले। खंडवा में धुनी वाले बाबा के जो मेला लगा है उनका कुरु पूर्णिमा का, उसमें गली गली डीजे बज रहे हैं। लेकिन एक आदिवासी ने एक डीजे लिया है तो टहलका मच गया। अरे साहब आप भी इंसान हो, हम भी हमारे महापुरुष का छोटा मोटा जन्म दिवस मना रहे हैं, तो आपको क्या परेशानी है? और अब देख लेना, यहाँ के युवाओं को मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे किसी का भी डीजे बजे उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करना और उनको देना। डीजे इस क्षेत्र में नहीं बजना, हमारा नहीं बजेगा तो कोई का भी नहीं बजेगा। सही बात है। और अभी मैंने एक वीडियो रिकॉर्डिंग सुना था, कोई पार्टी का अधिकारी हमारे लोगों को आतंकवादी बोल दिया था। अरे आतंकवादी किसको बोलते हैं भाई? आतंकवादी किसको बोलते हैं? पूरा आदिवासी बैठ है धूलकोट से लेके यहाँ तक खेड़ तक, पूरा धूलकोट चलेगा आदिवासी बैठ है। यदि आदिवासी आतंक हो जाता ना, तुम्हारा एक भी माई का लाल इस क्षेत्र में नहीं दिखता। हमको आतंकवादी बोल रहे हो? अरे आतंकवादी तो तुम हो, और नहीं है तो पढ़ लेना। सुप्रीम कोर्ट का 5 जनवरी 2011 का जजमेंट कि 92% लोग बाहरी हैं। बाहरी यानी भारत से बाहर के आए हुए लोग हैं, हमारे देश के नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोल रहा हूँ। जजमेंट में तो हम नहीं बैठे थे, या हमारे को जादू मंदिर नहीं आता जो तुम मशीन साहब को कि भाई आखिर इस देश का मालिक है कौन? जब अंग्रेज इस देश, जब आजादी मिली ना हमको, तो आजादी मिली तो ऐसे ही नहीं मिली। इतिहासकारों ने 1857 की लड़ाई को प्रथम लड़ाई बता दी। उनको ये नहीं मालूम, मालूम तो है लेकिन आदिवासी के महापुरुषों को दबाया जाता। भारत में यदि कोई माई का लाल है तो सिद्धू कानू था, जिसने 1865 में सिद्धू कानू ने पहली लड़ाई एससी ने मिलकर शुरू की थी। उनका नाम कभी नहीं आएगा। मालवा निमाड़ में सतपुड़ा बैंक में
1,27,000 हेक्टर तंत्र भूमि और रहेगा कोरकू ने बांटी थी हाल गुजारों से लेकर अन्य भक्ति छीन के उनकी बात नहीं करेंगे, बात करेंगे इनके महावीरों की, इनके इनके क्रांतिकारियों की, हमारे क्रांतिकारियों की बात नहीं करेंगे। तो साथियों मैं बता रहा था कि वो आतंकवादी जिनने बोला है, तो महोदय जी ये पांचवा अनुसूचित क्षेत्र है, आप हमारे मालिक नहीं हो, आप हमारे सेवक हो, क्योंकि आपके थाने पे लिखा हुआ है देशभक्ति जन सेवा। तो आप हमारी सेवा में हो, आपका फर्ज बनता है कि जिस आदमी ने हमारी समाज को आतंकवादी बोला है उसको तुरंत गिरफ्तार करें। और ये आज हमारे आदिवासी समाज की ओर से चेतावनी है, यदि अभी तो आपके तरफ से 10 दिन का टाइम दिया गया था है ना, तो 10 दिन खत्म हो गए, लेकिन हमारी ग्राम सभा इस पूरे बेल्ट की ब्रह्मपुर जिले की ग्राम सभा ने डिसाइड किया है कि हम शासन प्रशासन को 10 दिन का टाइम और दे दें, है ना, 10 दिन का टाइम और दे दें, 28 तारीख का तय हुआ है कि 28 तारीख तक यदि गिरफ्तार नहीं किया गया तो 29 तारीख को खकनार थाना का घेराव किया जाएगा। और इस व्यवस्था जो बिगड़ेगी संभलेगी पूरी जवाबदारी प्रशासन की होगी, क्योंकि हमने पहले बोल रहे हैं, 8-10 दिन से बोल रहे हैं और आज फिर माइक ग्राम सभा के माइक से बोल रहे हैं, और आपके पास तो पर्याप्त सबूत है, हमारे कुछ कार्यकर्ता थाने में गए थे, पीआई साहब से बात करी थी, तो मैंने पूछा मैंने भाई क्या हुआ, पहले तो मैंने बोला भाई क्या हुआ तुमने, बोले दादा 22 तारीख आंदोलन है आना है, मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, 22 तारीख आंदोलन क्यों रखा, पहले शासन प्रशासन को मौका दो, बोले हमने दे दिया, मैंने कहा FIR दर्ज कराई, बोले नहीं कराई, मैंने क्यों नहीं कराई, बोले हमने 4-5 थाने में FIR आवेदन दे दिया, मैंने कहा आवेदन नहीं, हमको जाके FIR दर्ज कराना है और काफी लेना है। दूसरे दिन ये लोग गए थाने में, इनने FIR का बोला, क्या हुआ इनके बयान ले लिए, हमारे जो लड़के गए थे बयान ले लिए, बयान दर्ज कर लिए, मैंने शाम को मैंने पूछा क्या हुआ भाई हो गई FIR, बोले नहीं दादा उन्हें हमारे बयान लिए और TI साहब ने बोला है कि आप SP साहब पास चल जाओ, उनसे बोल देना वो कल बोल देंगे हम तुमको FIR काफी दे देंगे। अरे TI साहब थाना चलाते हो, थाना थोड़ा तो ज्ञान आपको होना चाहिए, क्या जगह है, अरे थाने के मालिक तुम हो, SP नहीं है, हमारे जो लड़के गए थे उनको FIR की काफी तुरंत देना था।